अच्छा, तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये एक जो हमारी नॉर्मल वीडियोस चल रही होती हैं ये उस तरह से नहीं है। ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है। इसमें आप लोगों की थोड़ी सी आंखें भी खुलने वाली हैं क्योंकि मैं इस टाइम एक पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। पीछे देख के आपको लग नहीं रहा होगा ये पुलिस स्टेशन है, और आपको आज पता लगेगा कि पुलिस स्टेशन किस तरह से हो चुके हैं। फिलहाल मैं इस टाइम जी साहिवाल में, और साहिवाल के जो इस टाइम डी पी ओ है वो मेरे एक तरह से बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल चाल है, कैसे ठीक ठाक? आपने किस तरह से ये जो कहते हैं ना कि एक रुत बदल के रखती है साहिवाल की, मुझे यहाँ के लोगों से भी पता लगा कि आपने यहाँ के निज़ाम को और पुलिस स्टेशन को एक अलग ही वो शक्ल दे दी है। तो किस तरह से मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच हमजा। बेसिकली हमने कोशिश ये की कि साहिवाल के जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन थे उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करें, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो फ्रंट एंड ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा उसको हम डेडिकेटेड करें सिर्फ पब्लिक के लिए, तो इसको फिर हमने एक कॉर्पोरेट सेक्टर के तरह इसको हमने अपग्रेड किया, अपलिफ्ट किया। हमने कोशिश ये की कि हम साहिवाल के शहरियों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जिसमें आके, जैसे कोई बंदा पुलिस स्टेशन आता है तो वो नेचुरली डिस्ट्रेस में होता है, जब वो आए तो उसको एक बड़ा ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, उसकी आधी परेशानी उस एनवायरनमेंट में आके ख़त्म हो जाए बजाय इसके कि वो बढ़े। तो हमने कोशिश ये की कि हमने इस सारे को इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट किया, साथ ही साथ अपने प्रोसेसेस को हमने इसमें टाइम बाउंड ऑपरेशंस के जरिए हमने इम्प्रूव किया। तो ये एक एफर्ट है जो आप देख रहे हैं। ये अभी हम लोग आपको दिखाएंगे जरा साहिवाल का पुलिस स्टेशन किस तरह से चेंज हुआ, इसके बाद आज हम और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं साहिवाल में। एक ये आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको पुलिस स्टेशन हड़प्पा लेके जाएंगे। हड़प्पा आपको पता है हज़ारों साल पुरानी तहजीब का नाम है, हमारे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ओल्ड सिविलाइजेशन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा ये थाना लोकेटेड है। उस थाने को भी हमने एक थीम के मुताबिक अपग्रेड किया है, वो भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपके तवस्सुत से साहिवाल के और इस मुल्क के शहरियों को पता चले कि हम कैसे अपने पुलिस स्टेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम लोग ये पुलिस स्टेशन में एंटर हुए, तो मुझे पहले थोड़ी देर लगी है समझने में कि ये वाकई एक पुलिस स्टेशन है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ कि जब भी कोई सिटीज़न, कोई भी कंप्लेनेंट जब आएगा पुलिस स्टेशन में, तो हमारे गाइड कॉन्स्टेबल हैं, ये उसको रिसीव करेंगे। जब भी कोई बंदा यहाँ आता था उसको पता ही नहीं होता था कि मुझे कौन अटेंड करेगा, उसने SHO से मिलना है, उसको नहीं पता था, तो गाइड कॉन्स्टेबल की ड्यूटी है कि उसने उसको गाइड करना है और उसको बताना है कि उसको ये सर्विस कहाँ से मिलेगी। जब यहाँ से फिर वो जो भी कंप्लेनेंट है वो आएंगे, तो फिर हमारा ये हमारा फ्रंट डेस्क है, इसमें हमने अपने मेल और फीमेल ऑफिसर्स, PSA, हमने SSA यहाँ बिठाए हुए हैं। इनका काम ये है कि जितने भी कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं उनको ये अटेंड करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं, और हमारा जो पुलिस का सॉफ्टवेयर है उस पर उसको अपडेट कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम जब भी किसी कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में अपलोड करेंगे तो एक ख़ास टाइम हमारे सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने FIR दर्ज करवानी है तो उसकी हमने टाइमलाइन, डेडिकेटेड टाइमलाइन रख दी है। वो अगर आप देख रहे हो सामने, हमने बोर्ड लगाए हुए हैं कि FIRs कितने टाइम में दर्ज होंगी। अगर मर्डर की FIR है, अगर कोई किसी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की FIR है, तो हर एक का हमने टाइमलाइन दे दी है कि इस मैक्सिमम इस टाइम में होनी चाहिए, इस टाइम में होनी चाहिए। तो किसी भी शहरी को किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होगी FIR करवाने के लिए। जैसे ही वो यहाँ हमारे सिस्टम में उसकी एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगी, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे जिस तरह से की गई है, वरना आज तक जो है ना वो हमारे कहा जाता है कि थाने की चेहरी तो अल्लाह बचा। अब इस तरह का जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें मैं तो आते भी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार सीधा मैं जाऊंगा और मेरी कंप्लेंट जो है यहाँ पे इजीली हो सकती है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आप ऐड करना चाहूँगा कि हमने कोशिश ये की कि जो हमारी फीमेल वर्क फोर्स थी उनकी पार्टिसिपेशन को हम इंश्योर करें, ताकि जो फीमेल एप्लीकेंट्स या फीमेल कंप्लेनेंट्स आती हैं उनको अटेंड किया जा सके। उसी का एक पार्ट ये था कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या फीमेल्स को उस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर उनके राइट्स नहीं दिए जाते, या उनसे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेज हैं उन सब को डील करने के लिए हमने एक लेडी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है वो हमने यहाँ अपॉइंट की हैं। उनके लिए एक डेडिकेटेड रूम है। अगर कोई लेडी किसी ऐसे ऑफेंस में, डिस्ट्रेस में आती है कि जो जिसमें उसके साथ ज्यादती हुई है, या कोई और उसको किसी ने छेड़ा है, या जिस तरह घर में मारपीट हुई है, तो ये वो हमारी फीमेल ऑफिसर हैं जो डेडिकेटेड इस रूम के अंदर प्रॉपर उनकी काउंसलिंग भी करती हैं, उन्हें अटेंड भी करती हैं, जो लीगल प्रोसेस होता है वो सारा अडॉप्ट भी करती हैं, उन्हें गाइड भी करती हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है। इसके बाद हमारा जो एक SHO का कमरा होता था, उसका आपने सुना होगा कि जी वो बड़ी उसकी दहशत होती थी, सबसे डरावना कमरा होता था पहले। एग्जैक्टली, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से SHO के रूम को ट्रांसफॉर्म किया है और उसको एक बिल्कुल ऑल टुगेदर नई लुक दी है, ताकि जो लोग यहाँ आए विजिट करें
उनको पता चले कि जो पुलिस है वो अब एक जदीद अंदाज में अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर रही है। जरा देखते हैं एसएचओ साहब का रूम। इम्तियाज़ हैं, राणा इम्तियाज़ हमारे एसएचओ सिविल लाइंस हैं। अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो हमारा एसएचओ का कमरा था, हमने कोशिश ये की कि इसको बेस्ट बनाएं। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि नेचुरली पब्लिक की जो भी लोग यहाँ मुलाकात के लिए आ रहे हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, साथ ही साथ इनकी वर्किंग भी इससे इम्प्रूव हो, इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो नेचुरली इनके मिजाज पे भी इसका असर होगा, इनकी वर्किंग भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो हमने इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने स्टैंडर्डाइज़ की कुछ चीज़ें, अब साहिवाल के जितने भी हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है उसमें हमने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ये पिक्चर हमने चूज़ की। हाँ जी, मैंने अभी देखा था आपके ऑफिस में भी जी, तो आई लव दिस पिक्चर ऑफ माई कायद। तो ये हमारे तमाम पुलिस स्टेशन में हमने कायद आज़म की ये पिक्चर हमने यहाँ सब में लगवाई है। फिर इनकम्बेंसी बोर्ड है, ये हमने स्टैंडर्डाइज किया, इसमें भी हमने एक ही तर्ज का बोर्ड है जो बेस्ट हमें लगा, ये हमने सारी जगहों पे बनवाया। फिर एक बोर्ड यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ये हमने अपने एसएचओस की जो डेली टास्किंग है कि उन्होंने क्या करना है, उनके क्या टास्क हैं, तो ये एक हमने बोर्ड बनाया है उनके पर्सनल यूजेज के लिए। मतलब ये क्विक वो देख सकते हैं अपना डेली क्या करना है, अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स वीकली क्या होंगे, डेली क्या होंगे, तो ये एक बोर्ड हमने उसकी वर्किंग। इम्तियाज साहब, जिस तरह ये अब चेंज हुए पुलिस स्टेशन का निज़ाम और जो अपलिफ्ट किया है इसको, इससे आपको कितना चेंज देखने को मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगेन वेलकम, थैंक यू जी, सिविल एंड साहिवाल, थैंक यू। इसमें सबसे पहले तो ये अपलिफ्ट करने का मकसद था, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, हर चीज़ डिजिटल हो गई है, हर बंदे को जहाँ पे बैठा है वो आके इधर एफआईआर ले सकता है, जो भी अपनी कोई भी शिकायत है वो इधर हमारे फ्रंट डेस्क पे ऑनलाइन करा सकता है, जहाँ पे मर्जी घर बैठा भी करवा सकता है, ठीक है, एफआईआर भी ऑनलाइन करा सकता है। जैसे वन फेर कॉल होती है हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वही जो वन फेर कॉल हमारे सीएसएम सिस्टम में ऑनलाइन हो जाती है, एफआईआर पहले एफआईआर कराने के लिए काफ़ी लोगों की डिले हो जाता है, अब कोई डिले नहीं होता, हमारा टाइम लाइन दिया हुआ है हर चीज़ का। अच्छा, हर चीज़ अब मतलब वो एफआईआर के लिए कहना तो नहीं पड़ता कि यार जरा फोन कर, नहीं नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, टाइम लाइन के अंदर सारा कुछ हो जाता है। ज़बरदस्त जी, तो अल्लाह करे कि ये इसी तरह से चलता रहे और जिस तरह मैं एंटर होते ही मुझे कोई मसला नहीं फील हुआ पुलिस स्टेशन में, ये ऐसे ही रहे लोगों के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा आस्पेक्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग का, कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं कि जो बड़े पैटी नौयत के होते हैं और उसमें जो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं जिनको हम अपने पंजाबी ज़ुबान में हम उन्हें सरपंच कहते थे, वो कोशिश ये करते थे कि इस जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको एमिकेबली रिजॉल्व करवा दिया जाए। तो उनके लिए पहले पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी जगह नहीं होती थी कि जहाँ कम्युनिटी बैठ के छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करते, उसके लिए हमने ये डेडिकेटेड अपना कम्युनिटी रूम बनाया है। अच्छा, मतलब कि लोग आके उनका फैसला करवाने के लिए, डिस्कशंस के लिए। अगर पैटी डिस्प्यूट्स हैं, कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए हैं और कम्युनिटी के जो सरकर्दा लोग हैं वो बैठ के उसको वाइंड अप करवाना चाह रहे हैं, तो ये डेडिकेटेड रूम हमने उनके लिए तैयार किया। आप खुद देखें कि रूम आपको लग रहा है कि किसी तरह से यहाँ पे आके आप इजीली जो है वो बैठ के और यहाँ पे डिस्कशन हो सकती है, इजीली उसको मामले को यहीं पे रफा दफा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसमें फिर हमारी कम्युनिटी के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं वो सिर्फ अपने डिस्प्यूट्स के हवाले से नहीं, इसके अलावा पुलिसिंग में भी अपनी इनपुट देने के लिए भी यहाँ आते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में अगर पतंगबाजी का मसला है, कहीं को मंशियात फरोशी हो रही है या कहीं कोई कैबा खाना है या कोई और सोशल वाइस में से कोई एक ऐसी चीज़ है, कम्युनिटी अगर ये चाहती है कि पुलिस के साथ स्ट्रेटेजाइज करें तो पुलिस ने इस कम्युनिटी रूम को यूज़ करना है उनके साथ स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। सो दिस इज़ अनदर आस्पेक्ट के जिसमें हम एक इंक्लूसिव पुलिसिंग कर रहे हैं कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं पुलिसिंग के अंदर, के वो आएँ और पुलिस के साथ बैठ के एक पुलिसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें और हेल्प आउट करें पुलिस को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने। अच्छा, तो फैसल भाई, जब से ये आपने अपलिफ्ट करवाया इस सारे निज़ाम को, तो लोगों के बिहेवियर में आपको चेंज नज़र आना शुरू हुआ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। एक तो देखें, एक बड़ी खुशगवार हैरत होती है, जो भी यहाँ एंटर होता है वो इस इन्वायरमेंट को देखता है तो उसको एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर। फिर साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ है, इसका एक पार्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट का था, दूसरा जो था वो था प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट का, कि आप जो पुलिस के प्रोसेसेस हैं उनको कैसे रोबस्ट
और कैसे टाइम बाउंड करें, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो उससे भी लोगों को रिलीफ मिलता है कि अब उन्हें किसी की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, फौरन FIR दर्ज हो जाती है, जो रेलिवेंट उनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ मिल जाते हैं। फिर हमने कोशिश ये की कि इस जगह हम अपने जो साहिवाल के नामवर सितारे थे जो अब इस दुनिया में कुछ लोग हैं कुछ यहाँ से चले गए, उनको भी याद रखें। जी बिल्कुल, ये हमने तारिक अजीज मरहूम जो थे वो साहिवाल से बिलोंग करते थे, दिलदार परवेज भट्टी मरहूम साहिवाल से थे, मुनीर नियाजी एक अजीम शायर वो यहाँ से बिलोंग करते थे, मेहदी हसन साहब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से थे, मुश्ताक साहब यहाँ से हैं, मंजूर इलाही साहब, ये दोनों क्रिकेटर हैं। तो ये वॉल हमने अपने थाने की उनको डेडिकेट, ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि इस तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर खास तौर पे कभी नहीं देखा गया कि उसी शहर के जो वो जो लोग निकले उनको ऑन किया जाए। उसके बाद हमने जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते थे जो मुख्तलिफ लोगों को पार्टीज को सुनते थे और फिर डिसीजन करते थे, केस की इन्वेस्टिगेशन को देखते थे, उनके लिए फिर हमने रूम्स बनाए, वर्क स्टेशंस बनाए। ये हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कमरा है, ये आप देख सकते हैं। आगे फिर हमारे चूंकि स्पेस कम है, हमारे IO ज़्यादा थे, तो हमने एक उसको नया टच दिया और पार्टीशंस करके हमने उनके लिए सिटिंग्स बनाई हैं। यहाँ हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बैठते हैं और जो भी उनकी वर्किंग है वो यहाँ करते हैं। क्या हाल है तारिक साहब, कैसे हैं आप? तो इसको भी हमने स्टैंडर्डाइज किया, हमारा फर्नीचर जो था वो सबका हमने एक जैसा लिया, फिर इसमें हमने उनकी नेम प्लेट्स, फिर आप दीवारों पे देख रहे होंगी हमारी जो SOPs हैं डिफरेंट ऑफेंसेस के हवाले से वो भी डिस्प्लेड है, ताकि उनको पता चलता रहे कि उनका जो काम है वो इस स्टेप से वहाँ जी, तो वो उनको एक साथ साथ एक एजुकेट। मेरा ख्याल जिस तरह हमारे ये जो निज़ाम अब बनाए इसमें जो यहाँ पे अब पुलिस हमारी बैठी हुई है, इनके भी मेरे ख्याल माइंड पे बहुत इसका इफेक्ट होगा कि वो भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, वो उनको भी कोई ईंटों वाली दीवारें नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इंसान का जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके मिजाज पे भी असरअंदाज होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पुलिस पब्लिक फ्रेंडली हो, हमारी पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग हो, तो ये उसकी तरफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट संगे मील है जिसमें हम पब्लिक को अपने बेहतरीन इखलाक के जरिए बेहतरीन सर्विसेज देना चाहते हैं। ज़बरदस्त, एक बड़ी कम चीज़ें दुनिया में जिन्होंने मुझे हैरान किया उनमें से एक आज ही। अब ये हमारा बैक एंड आ गया, दिस इज़ फॉर द पुलिस ओनली। अब ये इसमें जितने भी लोग हम पुलिस अरेस्ट करती है वो फिर यहाँ बंद होते हैं। इसको भी मैंने अभी आप देख रहे हैं अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा कवर्ड है हमारी प्रिजन, ये जो हमारी हवालात है, साथ में इसमें इसकी वॉल सारी इंप्रूव की हैं, वॉशरूम्स की दीवारें पहले इससे भी छोटी थी मजीद की। अब आपका सवाल होगा कि ये क्यों इनकी छतरी होती और क्यों, बिकॉज यहाँ सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है सुइसाइड कमिट करने की। अच्छा, तो कोई भी हाँ सुइसाइड कमिट कर सकते हैं, तो दे शुड बी इतने एक विजिबल हों कि कोई एक्टिविटी अगर कर रहे हो तो हमें पता चले, नंबर वन। नंबर टू, छत और बीम इसलिए नहीं होती कि वो अपना अजारबंद निकाल के बाज़ दफ़ा लोग वो करके तो वो उसको, तो हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कैमरा के जरिए। अभी पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पे एक मशीन है, और अगर कोई बंदा आता है तो ये उसके किस काम की? जी ये क्यूमेटिक है जी, क्यूमेटिक मशीन हमारी है। इसका मकसद ये है कि जितने भी लोग यहाँ आए इन सर्विसेज में से जो सर्विस वो अवेल करना चाह रहे हों उसका एक यूनिक टोकन उनको मिले और फिर वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। इससे हमें दो तीन फायदे होंगे, एक तो हमें फ्लो ऑफ ट्रैफिक का पता चलेगा कि कितने लोग आए, नंबर वन। नंबर टू, अगर रश हो तो वो जो क्यू सिस्टम होता है वो वायलेट ना हो सके, हर बंदे को उसके टाइम पे ड्यू सर्विस उसको मिले। तो अब आप इसमें से कोई जिस तरह में आए हूँ और मुझे क्राइम रिपोर्ट हाँ, अगर आप ये करेंगे ले जी, ये हमारी स्लिप आ गई है और इस स्लिप से आगे भी जहाँ मैं जा रहा हूँ हाँ, उनको तो पता लगा। अब इसमें आप देखें आपको एक कोड नजर आ रहा होगा हमारा, अब ये हमारा कोड अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो इसमें आप फीडबैक देंगे अपना, दिस इज फॉर द सिटीजन फीडबैक। अच्छा QR कोड? हाँ जी, ये QR कोड ये मैं आप दिखाना चाहूँगा कि अब आप अपने मोबाइल के जरिए इस पे जाएंगे और आप मेरे इस पुलिस स्टेशन के हवाले से अपनी फीडबैक देंगे घर बैठ के जहाँ भी आप हों। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये फीडबैक प्योरली ऑन मेरिट होगी कि आपको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, आपको जैसा लगा आप घर जाके चुपके मैंने कर दिया कि मुझे ये मतलब सही। इसका फीडबैक का तमाम मैकेनिज्म मेरे ऑफिस से कनेक्टेड है, इसमें जितनी नेगेटिव फीडबैक्स होंगी उनका नोटिस मैं खुद लूंगा, उन्हें फिर मैं खुद कॉन्टेक्ट करूंगा उन तमाम सिटीजन को। अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं यहाँ आया हूँ और मुझे उन्होंने इंतजार करवाया है, अब इंतजार नहीं करवाना, तो मैं उसको फिर कॉन्टेक्ट करके और उसको अपने दफ्तर बुला के उसका जो भी इशू होगा उसको अटेंड करके अपने सिस्टम को फिर मैं करेक्टिव मेजर्स लूंगा। साथ ही साथ वी विल ऑफर देम अ कप ऑफ टी के लिए अच्छा, हाँ, कि आपको मसला हुआ है, मसला हुआ बिल्कुल सही है, और वो फिर सारी उम्र के लिए खुश हो जाएगा कि मुझे पुलिस ऑनेस्टली ये हमें तो यही चीज चाहिए होती है अपनी पुलिस से अपने इदारों से, उसमें कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आएगा कि जी हमारा सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से फिर वो आगे जाएंगे और फिर फ्रंट डेस्क पे ऑपरेट करेंगे। जबरदस्त। अच्छा फैसल भाई, ये जो राइट्स ऑफ सिप्स विजिटर ये क्या चीज है? ये हमने बेसिकली बताने की कोशिश की है कि जो भी सिटीजन इसको विजिट कर रहा है पुलिस स्टेशन को उसके ये राइट्स है।
सबसे पहले ही हैज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारा जो गाइड कांस्टेबल है उससे स्टार्ट होकर उसे इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्रंट डेस्क जो उसको FIR की कॉपी चाहिए है, जो भी चीज़ चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन देनी है हमने, ये उसका राइट है, ठीक है। फिर उसका राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम्स नहीं होते थे, अब हमने लेडीज़ और जेंट्स के लिए डिफरेंट वॉशरूम्स बनाए हैं जो कि बहुत अच्छे बने हुए हैं, पानी उनको पीने के लिए यहाँ मुहैया किया गया है, बैठने के लिए बड़ी साफ़ सुथरी जगह है, ये राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़ है जिसको हम ऑनर कर रहे हैं। राइट टू इन्वॉल्विबिलिटी ऑफ इंटेग्रिटी है कि उनकी इज्जत और तौकीर का ख्याल रखना है पुलिस ऑफिसर्स ने इस डील करते हुए। तीसरा राइट टू सिक्योरिटी है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स है 15 कॉल्स पे, जहाँ भी उनको कोई डिस्ट्रेस कॉल आ रही है तो पुलिस ने उसको रिस्पॉन्ड करना है। फिर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ये भी हमारा स्लोगन है कि सारे शहरी हमारे सामने बराबर हैं। अब इस राइट्स ऑफ सिप्स विजिटर के जरिए हमने दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, एक तो हमने लोगों को एजुकेट किया है कि उनके राइट्स क्या हैं, दूसरा थाने में इसको आवेजा करके हमने हर पुलिस के जवान और ऑफिसर को ये बताया है कि आप किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनके हक हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं, ये सारे हकूक हैं जो आपने देने हैं शहरियों। अच्छा भाई, वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हड़प्पा की तरफ। फैसल भाई, कितना हड़प्पा, कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से अभी 10 किलोमीटर दूर है और अगले 10 मिनट में हम आओगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। और ये जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितने पुलिस स्टेशन और ये कितना, मतलब ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? हाँ जी, इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट। मैं बताना चाहूंगा कि इसका पुराना नाम मंटगमरी था, फेमस, और अभी इसमें दो डिस्ट्रिक्ट निकले हैं मंटगमरी में से, एक डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और एक डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। प्रीवियसली देवर यूज टू बी पार्ट ऑफ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, मंटगमरी का हिस्सा होते थे और फिर साहिवाल से। तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अभी 17 पुलिस स्टेशन हैं, उनमें से एक पुलिस स्टेशन हड़प्पा है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। ले जी, हम लोग पहुँच चुके हैं हड़प्पा पुलिस स्टेशन में, और एंटर होते ही जो यहाँ की शक्ल बदली है, जिस चीज़ पे हमारी आज की पूरी वीडियो है कि किस तरह से यहाँ पे फैसल भाई ने जो इस निज़ाम को बदल के रख दिया है, उसको हम देख रहे हैं आज। जी बिल्कुल, इसको भी हमने इसके फ्रंट एंड को अपग्रेड किया है और इसको एक थीम दी है। चूंकि ये हड़प्पा ओल्ड सिविलाइजेशन जो हमारी थी उसके बिल्कुल अपोजिट ये लोकेटेड है, तो हमने इसको पूरे को हड़प्पा के तर्ज पे ही इसकी अपग्रेडेशन की है। ये मैं अभी आपको अंदर से इसको विजिट करवाता हूँ। ये हमारा थाना हड़प्पा का जी एंट्रेंस है, ये हमारे गाइड कॉन्स्टेबल हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी क्यूमेटिक मशीन है आप देख रहे होंगे, साथ ही साथ आप हमारा फ्रंट डेस्क देख रहे हैं, VSO का ऑफिस है, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का। अभी ये मेरे ख्याल है कोई कंप्लेनेंट आए हुए भी हैं, इत्तेफाक से हम आए हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, इनसे बात कर लेते हैं, क्या हाल है जी आपके, खैरियत से? अच्छा माहौल है जी। जी मैं पहले आंदे सी ते पुलिस स्टेशन, पहले तो बड़े खतरनाक जे होंदे सी, हुन बदलते ने इन्होंने, ते कैसा लग रिहा तुहानू? अगे ना तो जी काफी बेहतर लगदा, क्योंकि पहला थाना हुंदा सी ओ ते थाने तो वड़दा था, सफाई डरा देंदा हुंदा सी, ते मंज कर देंगा ओ कर देंगा, हुन ठीक है, हुन तो दौर खत्म हो गया जी, हुन तो बहुत अच्छा माहौल है जी। इन्हां दा शुक्रिया, इन्होंने वो दौर खत्म कीता है, बड़ी मेहरबानी जी। आईजी साहब ने बड़ी मेहनत की है इहदे विच जी, सारे प्रोजेक्ट दे विच माशाल्लाह आईजी साहब ने पूरे पंजाब विच इंप्लीमेंट कीता है, चलो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, ये एंटर होते ही जिस तरह वही आप बता रहे थे अपस्केल किया हुआ, वही चीज है, बट इसमें जरा कल्चरल जी, हाँ इसको थीमेटिक। अब ये देखे ना, ये हमारा जो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी उसकी, इसमें सील्स हैं, उसमें आप इनके बर्तन देख रहे होंगे, ये वो सारे उस दौर के आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एक हमने वहाँ भी इंस्टॉल किया है, क्या है पीछे? ये एक स्पेशल, हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को जब डिवाइड किया तो इसमें हमने थीम ये रखा कि हम उसी दौर की एक उसी अंदाज की एक वॉल जो है वो। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं एक ना हड़प्पा के एक म्यूजियम में आया हूँ कि मुझे यहाँ का जरा एक कल्चरल वो टेस्ट मिल रहा है साथ साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें आप देखें कि ये उस दौर के ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों के खिलौने, और ये दौर में बेसिकली तो ये जो जानवर उसको वो उसके वो मोल्ड बना के और उसको वो ये रखते थे अपने घरों में भी और अपनी उनकी सिविलाइजेशन का। ये सील्स खास करके जो आपको नज़र आ रही है, टैबलेट्स नज़र आ रही है, ये उस दौर का खासा थी। अच्छा, साहिवाल पुलिस स्टेशन जब हम गए मेरे लिए वो हैरान कन था, बट यहाँ आने के बाद ये और ज़्यादा है, क्योंकि वो एक सिटी का पुलिस स्टेशन है,
मैं नहीं सोच सकता कि हड़प्पा मतलब मैं एक इस तरह जगह पे आया हूँ और यहाँ भी मुझे ये वाली एक चीज मिल रही है। अच्छा, ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जी, ये हमारे SHO साहब का कमरा। चलें जी, आप हमें आगे लीड कर आए जी। मैं आपको अब यहाँ भी वही उसी तरह जो मैं कह रहा था, स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि एक मॉडर्न कायद, एक जो जिस तरह से कायद थे, वो ये वो कायद थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जिन्होंने जो फाउंडर ऑफ द कंट्री है। सो आई लव दिस पिक्चर। मेरा ख्याल एक वक्त में DPO का रूम ऐसे हुआ था। और बाकी जो बड़ी सही बात की आपने, ये अपनी लास्ट लेग ऑफ द सर्विस से 3-4 महीने रह गए इनके रिटायरमेंट के। तो एग्जैक्टली यही बात इन्होंने की थी कुछ अर्सा पहले कि जब मैं SHO। आप दसो SHO लादित साहब, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा फील होता है, आपकी आपकी तो सर्विस के अंदर आपने ये चीजें बदल दी। मैं बताना चाहता हूं जी कि मैं 84 में एज ए कांस्टेबल इस महकमे में ज्वाइन किया सर। अब मेरी 41 ईयर सर्विस हो गई है। मैंने 41 ईयर सर्विस में कोई ऐसा माहौल नहीं देखा था पहले। अच्छा अच्छा, जो अब IG साहब ने हमें दिया है, गवर्नमेंट पंजाब ने दिया है, खासकर हमारे ये DPO साहब जो है, इनकी बड़ी कावश है IG साहब की है। इन्होंने हर जगह पे हमें गाइड किया, तो उसके असरात जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, हमारा रहन सहन और पब्लिक के साथ हमारी डीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल वो आपको भी इस चीज से बड़ा फर्क पड़ा होगा, वो उस माहौल में बैठने में और इसमें जो सर बड़ा फर्क पड़ा। पहले हम जो थे, मैं इधर 87 में कांस्टेबल था, तब हम पुरानी बिल्डिंग थी वो बोर्ड के नीचे बैठते थे। 94 में मैं ASI आया तब भी हम उधर बैठते थे। 2008 में SHO था तब भी वही माहौल था। अब जो माहौल है, जो तो मैं सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में। मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा, आने वाली नस्लों को भी बताऊंगा, बेटा जो मैंने ज्वाइन किया था और जो मैंने छोड़ा है क्या वो बहुत जमीन आसमान का। आप भी अब घर जाके भी खुश होते होंगे जरा जी। खुशगवारी आती है ना इंसान के वो उसमें। तो रिसेंटली जब हमारे DPO साहब आए, RPO साहब, इन्होंने वो देखा माहौल तो लाइक किया। अच्छा, इन्होंने, मैंने कहा सर मैंने अपने बच्चों को दावत दी है। सही, तो साहब ने अलाउ किया, हमारे RPO साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मेरे बच्चे आए हैं, उन्होंने सेल्फियां बनवाई हैं। अच्छा, तो बड़ा एंजॉय किया। फिर पूरी हमारी जो है रिलेटिव है सब, मेरी वाइफ, मेरी बेटी डॉक्टर उनको सेक्शन में आप होते हैं आपके बच्चे। ये अब हमारे जो फ्रंट डेस्क के ऑफिसर्स हैं, ये वो हो गया, ये हमारा वो रूम आ गया जिसमें हम विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर बैठाते हैं। ये अब हमारा कम्युनिटी रूम है जी, इसमें वही जो मैं आपको वहाँ बता रहा था कि जितनी भी हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं, हमारे जो इस इलाके के लोग जब इकट्ठे होंगे, उनको बैठने के लिए हमने एक डेडिकेटेड बहुत अच्छा कमरा दिया है, अपने एमिकेबल रेजोल्यूशन के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, पुलिस को गाइड करने के लिए कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या इशूज़ हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो इट्स अ मल्टीपर्पज हॉल। अच्छा भाई, आज का जो हमारा पूरा ट्रिप था साहिवाल का, जिसमें साहिवाल और हड़प्पा हम लोग गए, क्या मतलब आप लोगों ने मुझे बताने कि आपके जहन में था कि इस तरह से पुलिस स्टेशन होते हैं यहाँ पे और क्या क्या निज़ाम बदल चुका है किस तरह से, मुझे मेरे लिए आज बहुत सरप्राइजिंग था ये। तो अभी हम लोग आए हैं फैसल भाई के घर। क्या क्या है जी खाने में आज? खाने में हमारी एक स्पेशलिटी है यहाँ, ऑलिव ऑयल में जो देसी मुर्गा है हमने बनाया है, और ये वो सही वाला देसी मुर्गा है जो असल सही है ये जी। यहाँ का कोई बहुत नस्ली किस्म का देसी मुर्गा है ऑलिव ऑयल के साथ, साथ में पुलाव शामिया। अभी जरा हम करें, आप करें शुरू। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, आप गेस्ट हैं, आपसे स्टार्ट करें। थैंक यू।